मैंने मुख्यमंत्री के नाम से, मंत्रियों के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, तो हमारा आरटीओ इतना ट्रांसपेरेंट था कि वो गांधीवादी था, उसको 500 रुपए के नोट मिली को देखता भी नहीं था, ठप्पा मारता था। तो विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, उनके नाम का ड्राइविंग लाइसेंस करके विधानसभा में दिखाया, देखो बोला आपका लाभ दिया। अब धीरे धीरे हमने अभी ये किया कि अब ड्राइविंग लाइसेंस अमेरिका में, मेरी लड़की थी वो किताब पढ़ रही थी, अध्ययन, आपको पता है कि वर्ल्ड में कौन सा देश है जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ऐसा कोई देश है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। आपको यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में लाइसेंस नहीं मिलता। ऊपर अभी मैंने नया सिस्टम लाया कि ई गवर्नेंस की सिस्टम लाया, ई एजुकेशन, अब मैं वो ला रहा हूँ कि आप, आपके इंटरनेट के द्वारा आपकी पहले एक थ्योरी परीक्षा होगी, वो पास करेंगे और बाद में आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग की टेस्ट देनी पड़ेगी। मैं इसलिए बच गया कि वो ट्रक के पीछे में एक टायर था, उन्हें लिखते बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला वगैरह, वैसे उसके बाजू में एक स्टेपनी थी और वो स्टेपनी ने मेरी जान बचाई। अगर वो स्टेपनी नहीं होती तो मेरी पत्नी, मैं, मेरा लड़का, मेरी लड़की, ड्राइवर सब कट जाते। लोग बोलते तुम बचे कैसे गाड़ी की तरफ देखकर। तो कहीं ना कहीं अभी ट्रक के नीचे, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि ट्रक और बस के पीछे दो टायर के बीच में गैप होती है। अभी हमारी छोटी छोटी गाड़ी आई, घुस जाती, उसके अंदर जाती है, स्कूटर वाले चले जाते, तो मैं इतना पीछे पड़ा कि वहां एक पाइप लगाओ। अब नए ट्रक में आ रहा है कि कोई भी गाड़ी जाएगी तो उससे टकरा के बाजू तो हट जाएगी, अंदर तो नहीं जाएगी। छोटी छोटी बातों का सुधार करना। अभी एक जगह, कल मैं नासिक में था तो एक फ्लाईओवर था नासिक शहर में बना हुआ, तो मैं वहां से आ रहा था तो 50 किलोमीटर लिखा था मिनिमम मैक्सिमम स्पीड। फिर मैं जैसे एयरपोर्ट पे आया तो पुलिस कमिश्नर आए, मैंने उनको कहा कि ये फ्लाईओवर 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए बना है, तो आप 50 क्यों लिखा है आपने वहां? बेकार के बेकार लोगों को फाइन भरना पड़ता है, फोटो निकालते हैं और फाइन लगता है, कोई उजागर नहीं। तो अब मैं रोड की जो ट्रैफिक की स्पीड है उसका भी कानून और या डिसिप्लिन का कानून और क्लैरिटी के साथ अभी सभी राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री के साथ क्लियर कर रहा हूँ। अब मेरा मुंबई में मेरे नाम से गाड़ी है तो मैंने अभी तक 4 बार चालान भरा, क्योंकि वो वर्ली बांद्रा में उसकी 60 किलोमीटर की लिमिट है स्पीड की, और मेरी गाड़ी अगर ज़्यादा गई होगी, वो ड्राइवर को आया चालान, मैं बोला ठीक से चलो। अभी क्या हुआ, एक बार चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को भी चालान कर दिया सिस्टम ने। अब क्या वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो धीरे धीरे अब लोगों में ये डिसिप्लिन के कैमरे में फोटो निकलेंगे, कौन लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं कर रहा। तो इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को, अब सरकार के पास पैसे नहीं है तो मैंने कहा PPP मॉडल में करो। अब जितने फाइन वसूल होगा उतना 50% वो कंपनी को मिलेगा, ताकि उसका पैसा जब तक वापस इंटरेस्ट से वापस नहीं होगा तब तक फाइन चलता रहेगा, जब उसको मिल जाएगा फिर वो गवर्नमेंट के मालिक का हो जाएगा। अब आपको बताते समय मुझे शर्म आ रही कि मैं पिछले कुछ समय में कुछ राज्यों में गया था और उस राज्य के मुख्यमंत्री और मैं एक ही गाड़ी में बैठे, मैं सामने बैठा हूँ, तो मैंने देखा बेल्ट कहाँ है, तो बेल्ट में एक वो अमेजॉन पे मैंने अभी ला कानून बनाकर उनको कहा कि ये बेचना बंद करो, एक लोहे की प्लेट मिलती है और सरकारी गाड़ियों में प्लेट डाल देते ताकि आवाज़ ना हो, और कोई बेल्ट नहीं लगाता। और ये घटना राज्य के मुख्यमंत्री के उपस्थिति में वहाँ बेल्ट के बजाय ये अरेंजमेंट की थी, तो मैंने उनको डांटा वो ड्राइवर को, मैंने बोला बिल्कुल नहीं करना ऐसा, और मुझे लगा निकालो बेल्ट, अगर मैं बेल्ट नहीं पहनाऊंगा तो एक्सीडेंट होगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, और आप ये नियम भी है, कानून भी है, इसके लिए फाइन भी है। और अभी हमने पीछे बैठने वालों को भी आग्रह किया, अभी जो बेल्ट है हवाई जहाज में हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम गिरने नहीं चाहिए, हमारी लाइफ की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, इसलिए बेल्ट लगाना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी बातें हैं लेन डिसिप्लिन की, कोई भी स्कूटर वाला आता है इधर से घुसता, उधर डालता, उधर से घुसता, मुझे ऐसा लगता है कि अरे भाई इसकी जान की चिंता नहीं इसको, एक गाड़ी वाला आता है एक ट्रक के पीछे इधर घुस जाता है, उधर से आड़ा मारता है, ये क्यों, हम क्यों नहीं ओवरटेकिंग के बारे में, सबके बारे में जो नियम है लेन डिसिप्लिन है उसका पालन करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे।